So good morning students, today we are going to discuss our new topic, that is phylum chordata from class 11th biology. Okay, so आप start करते हैं अपना phylum chordata को बहुत ही कम time में और पूरा हम इसको cover करने की कोशिश करेंगे. Okay, so without wasting the time, let's start. तो बेटा phylum chordata जो है वो एक Greek word से लिया गया है, that is chord plus ata. Okay, तो कोड का मीन्स होता है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और आटा का मतलब होता है टू बियर. अब जहाँ कहीं पर भी बायो में आटा टेक्निकल टर्म्स आती है वहाँ पर आपको समझना होगा कि टू बियर ही होता है इसका मतलब. ठीक है, तो कॉर्डेटा का मतलब हुआ स्ट्रिंग टू बियर, यानी कि स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है इन एनिमल्स के अंदर. ठीक, तो पूरा हो गया स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग एनिमल्स नोन एज कॉर्डेटा. ओके, सो आई थिंक लगभग 55,000 स्पीसीज हमारी कॉर्डेट्स की मिलती हैं. ठीक है, तो अब हम बेसिक फीचर्स जो होते हैं कॉर्डेट्स के वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, नंबर वन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनमें क्या होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, इनके अंदर नर्व कॉर्ड भी होती है. नंबर थ्री प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट, इनके अंदर फेरिंजियल गिल स्लिट भी मिलते हैं. ठीक, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. नंबर फोर प्रेजेंस ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, इनके अंदर क्या होती है हिपैटिक पोर्टल वेन होती है. हिपैटिक मीन्स लीवर. ओके, तो हिपैटिक पोर्टल वेन का मतलब है जो ड्रेनेज करती है ब्लड का. ठीक है, कहाँ से आपका स्प्लिन से और लीवर तक, दैट इज नोन एज द पोर्टल वेन. नंबर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, इनके अंदर पोस्ट एनल टेल की भी प्रेजेंस होती है. एंड नंबर सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन फाउंड विद आरबीसी, इनकी आरबीसी में जो हमारा आयरन कंटेंट होता है वो आरबीसी होगा. तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हो गए आपके कॉर्डेट्स के. एक बार रिवाइज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होगी. प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट, प्रेजेंस ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल एंड ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन फाउंड विद आरबीसी. ये हो गए हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स. ठीक है बेटा, अब इसमें होता क्या है कि स्टेजेस के थ्रू इनका कन्वर्जन होता है. जैसे कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो भी कन्वर्ट हो जाती है, नर्व कॉर्ड भी, और फेरिंजियल गिल स्लिट जो है ये भी कन्वर्ट हो जाती है. तो अब हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हो गया, नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट. अब ये एक सर्टेन स्टेज के बाद क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो अब कन्वर्जन ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट. ठीक है, तो नोटोकॉर्ड बेटा आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में. ठीक, नर्व कॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में. एंड फेरिंजियल गिल स्लिट जो है वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं फेरिनिक्स में. ठीक है, फेरिनिक्स मतलब आपके लंग्स हो गए, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनमें कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये एक तरीके से सोचिए लार्वल स्टेज होगी और एक अडल्ट की स्टेज है, तो इनमें इनका क्या हो जाता है कन्वर्जन हो जाता है. ठीक है, सो अब हम कॉर्डेट को कितने सब फाइलम में डिवाइड करा गया है वो स्टडी करते हैं. तो बेटा कॉर्डेट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू थ्री सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, इनको ट्यूनिकाटा भी बोला जाता है, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. ठीक है, तो यूरो मीन्स टेल कॉर्डेट, जिनके अंदर टेल होती है, जिन कॉर्डेट्स के अंदर टेल होती है उनको हम बोलते हैं यूरो कॉर्डेट. ठीक, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड फाउंड ओनली इन टेल रीजन, यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी लेकिन केवल कहाँ पे होगी टेल रीजन में. ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होती है यहाँ पर केवल लार्वल स्टेज में मिलेगी लेकिन अडल्ट स्टेज में यहाँ पर नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है. तो जब किसी भी एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो हमारी लार्वल स्टेज में मिले और अडल्ट में ना मिले तो हम इसमें क्या हुआ, तो लार्वा जो हो गया वो एडवांस कैरेक्टर वाला हो गया और अडल्ट जो हो गया वो लेस कैरेक्टर वाला हो गया. ठीक, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि जो लार्वा था वो एडवांस स्टेज में था. क्यों? क्योंकि उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे वो अडल्ट फॉर्म में आया तो उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रही, नोटोकॉर्ड नहीं मिली उसके अंदर. ठीक है, तो लार्वा जो था हमारी एडवांस कैरेक्टर था लार्वे के अंदर और एडल्ट के अंदर लेस एडवांस कैरेक्टर मिले, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस. रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है,
इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं हर्डमानिया। ओके, अब यूरोकॉल डेटा के बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे अपना सिफेलोकॉल डेटा। तो सिफेलो का मतलब ही हेड होता है, ठीक है, सिफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिफेलोकॉल डेटा में सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट्स आते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होगी वो हेड टू टेल रीजन में होगी। तो सिफेलोकॉर्ड डेटा का अगेन मैं रिवाइज करा देती हूँ कि हेड होता है इसका मतलब, और ये सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और नोटोकॉर्ड जो हमारी प्रेजेंट होगी वो हेड टू टेल रीजन तक होगी, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा एम्फीऑक्सिस। क्लियर। अब यूरोकॉर्ड डेटा हो गया हमारा, सिफेलोकॉर्ड डेटा हो गया, और इसके बाद हमारा आता है वर्टीब्रेटा। सो मूव टू द वर्टीब्रेटा। तो बेटा वर्टीब्रेटा को डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ जॉज, जो के बेस पे एग्नेथा और गनेथोस्ट्रोमेटा। ठीक, एग्नेथा का मतलब क्या होता है, ए मतलब एब्सेंट, तो यहाँ पर लैकिंग ऑफ जॉज होगी तो इसको बोलेंगे एग्नेथा, जहाँ पर जो प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे गनेथोस्ट्रोमेटा। क्लियर। अब एग्नेथा को अगेन एक क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, उसको बोलते हैं साइक्लोस्ट्रोमेटा। क्लियर। और गनेथोस्ट्रोमेटा को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जॉज, ठीक है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। किस में बेटा आपका, पाइसिस में और टेट्रापोडा में। ठीक, तो पाइसिस या पिसीज भी बोल दिया जाता है इसको, इनमें क्या मिलते हैं, फिन्स, मछलियाँ आती हैं इसमें, एंड टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स पैर, जिनके फोर पैर होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं टेट्रापोडा। तो हम इसके बेस पे इनको फर्दर डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब पिसीज या पाइसिस जो होता है उसको हमने अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्ड्रिक्टाइथीस, ठीक है, और ओस्टिकाइथीस, ठीक, कॉन्ड्रिक्टीस और ओस्टिकथीस। क्लियर। और उसके बाद टेट्रापोडा को हमने अगेन डिवाइड किया है फोर पार्ट में, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एवीज और मैमल्स, या फिर आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आप सीधे बोल सकते हैं आराम, ARAM, आराम याद कर लीजिए, कि टेट्रापोडा इज डिवाइडेड फर्दर इंटू फोर पार्ट, दैट इज आराम। ठीक, आराम मीन्स ए फॉर एम्फीबिया, आर फॉर रेप्टीलिया, ए फॉर एवीज एंड एम फॉर मैमल्स। ओके, तो बेटा ये मैंने आज आपको थोड़ा सा कंसाइज करके फाइलम कॉर्ड डेटा का बताया है, ठीक है। इसके बाद हम अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।